गुड मॉर्निंग। एक नई सुबह की बेहतर शुरुआत के लिए मैं मीनू शर्मा लेकर हाजिर हूँ मनी मॉर्निंग बुलेटिन, जो बचाता है आपका समय और आप तक पहुंचाता है आपसे जुड़ी हर जरूरी खबर। तो चलिए चाय की चुस्की और मनी नाइन के पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन के साथ करते हैं नए दिन की शुरुआत। डिजिटल लोन देने वाले मोबाइल ऐप के लिए गूगल ने नियमों को किया सख्त। गूगल प्ले स्टोर पर रजिस्टर्ड डिजिटल लैंडिंग ऐप को देना होगा शपथ पत्र। कर्ज देने से जुड़ी सभी शर्तों का करना होगा उल्लेख। ऐप चलाने के लिए जरूरी दस्तावेजों की कॉपी भी गूगल के पास करनी होगी जमा। 31 मई से हो चुकी है गूगल की नई नीति लागू। लोन देने वाले ऐप्स यूजर्स के कॉन्टैक्ट, फोटो, वीडियो, कॉल लॉग्स, एक्सटर्नल स्टोरेज और लोकेशन को नहीं कर सकेंगे एक्सेस। इससे ऐप्स की मनमानी और यूजर्स के साथ होने वाले उत्पीड़न पर लगेगी लगाम। अब जल्द निपटेंगे इनकम टैक्स से जुड़े विवाद। सरकार ने अधिसूचित की ई अपील स्कीम। करदाता अब आयकर अधिकारी के कई फैसलों के खिलाफ ज्वाइंट कमिश्नर के पास कर सकेंगे ई अपील। सरकार टैक्स से जुड़े छोटे विवादों को निपटाने में लाना चाहती है तेजी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में की थी 100 ज्वाइंट कमिश्नर तैनात करने की घोषणा। कमिश्नर लेवल पर आने वाली अपीलों का होगा बोझ थोड़ा कम। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म ITR 1 और ITR 4 के बाद जारी किया ITR 2 फॉर्म। पोर्टल पर पहले से भरे जानकारी के साथ ITR 2 फॉर्म आयकरदाताओं के लिए कराए गए उपलब्ध। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न अब किया जा सकता है ऑनलाइन फाइल। ONDC के जरिए 1 जून से खरीदारी करना हो जाएगा महंगा। ONDC ने अपनी इंसेंटिव की व्यवस्था में बदलाव करने का लिया फैसला। अब डिस्काउंट पर लगाई जाएगी एक सीमा। ONDC ने इंसेंटिव की सीमा प्रति ऑर्डर की 100 रुपये तय। ऑर्डर वैल्यू का 50% से ज़्यादा नहीं होगा डिस्काउंट। डिस्काउंट पाने के लिए ऑर्डर वैल्यू की न्यूनतम सीमा भी तय हुई। फूड और बेवरेज के लिए कम से कम करना होगा 200 रुपये का ऑर्डर। अन्य वर्गों के लिए ऑर्डर सीमा होगी 300 रुपये। ONDC के जरिए 1 जून से खरीदारी करना हो जाएगा महंगा। ONDC ने अपनी इंसेंटिव की व्यवस्था में बदलाव करने के लिए लिया फैसला। अब डिस्काउंट पर लगाई जाएगी एक सीमा। ONDC ने इंसेंटिव की सीमा प्रति ऑर्डर की 100 रुपये तय। ऑर्डर वैल्यू का 50% से ज़्यादा नहीं होगा डिस्काउंट। डिस्काउंट पाने के लिए ऑर्डर वैल्यू की न्यूनतम सीमा भी हुई तय। फूड और बेवरेज के लिए कम से कम करना होगा 200 रुपये का ऑर्डर। कोल इंडिया ने 8% महंगा किया गैर कोकिंग कोयला। 31 मई से लागू होगी नई कीमत। ऊंचे ग्रेड के G2 और G10 कोयले के दाम में होगी वृद्धि। NEC सहित सभी सहयोगी कंपनियों के लिए लागू होगी मूल्य वृद्धि। गैर कोकिंग कोयला होता है बिजली संयंत्र में बिजली उत्पादन के लिए इस्तेमाल। दाम बढ़ने से बिजली उत्पादन की लागत में भी होगा इजाफा। जनवरी 2018 के बाद कोल इंडिया ने कीमतों में की है बड़ी बढ़ोतरी। मणिपुरम फाइनेंस ने पेश किया डिजिटल लोन ऐप। ग्राहकों को मणिपुरम फाइनेंस के सभी वित्तीय उत्पाद एक ही मंच पर होंगे उपलब्ध। नया ऐप कंपनी को डिजिटल कारोबार और पहुंच बढ़ाने में करेगा मदद। Tier 2 और Tier 3 शहरों में पेश किया गया है ये ऐप। बिल्डर के दिवालिया होने पर भी हो सकेगी घरों की रजिस्ट्री। सरकार कर रही है दिवाला प्रक्रिया से गुजरने वाले पूरे हो चुके रजिस्ट्रेशनल प्रोजेक्ट में फ्लैट की रजिस्ट्री करने पर विचार। NCLT को मिल सकते हैं रेरा से जरूरी जानकारी लेने के अधिकार। इस पहल से घर खरीदारों से बचा हुआ पैसा लेने और उन्हें कब्जा मिलने में मिलेगी मदद। रजिस्ट्री शुरू होने से राज्य सरकार के राजस्व में भी होगा इजाफा। तो आगे बढ़ने से पहले चलिए देते हैं आपको एक जरूरी जानकारी। अगर आपके पास भी शेयर बाजार को लेकर कोई भी सवाल है, मन में कोई भी कंफ्यूजन है, तो आज दोपहर 1 बजे हमारे लाइव शो हेलो मनी नाइन मेरा सवाल है में आप पूछ सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट अनुज गुप्ता देंगे आपके सवालों के जवाब। सवाल पूछने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9311212874 पर आप व्हाट्सएप करें और हमारे एक्सपर्ट से जानें अपने सवालों के जवाब। NMDC ने लो आईएस के दाम घटाए। लम की कीमत 300 रुपये से और फाइंस की कीमत 450 रुपये प्रति टन घटाई गई है। लम आईएस की कीमत 3,900 रुपये प्रति टन हुई। फाइंस की कीमत घटकर हुई 3,560 रुपये प्रति टन। लम है उच्च स्तर का लो आईएस, इसमें 65.53% होता है लोहा। फाइंस में लोहे की मात्रा होती है 64% या इससे कम। 29 अप्रैल को NMDC ने लम की कीमत 4,200 रुपये और फाइंस की कीमत 4,010 रुपये प्रति टन की थी। महाराष्ट्र के किसान सिर्फ 1 रुपये के प्रीमियम पर ले सकेंगे फसल बीमा। प्रीमियम की शेष राशि का भुगतान करेगी राज्य सरकार। महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की नमो शेतकारी महासम्मान योजना। 1 करोड़ से अधिक किसानों को राज्य सरकार 1 साल में देगी 6,000 रुपये। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से अतिरिक्त होगी ये राशि। किसानों के खाते में 3 बराबर किश्तों में डाला जाएगा पैसा।
जून में 12 दिन बंद रहेंगे बैंक। 2000 रुपए के नोट बदलने के लिए बैंक जाने से पहले चेक कर लें छुट्टियों की लिस्ट। जून में हर रविवार के साथ दूसरे और चौथे शनिवार को बैंकों में रहेगा अवकाश। आरबीआई के मुताबिक अलग अलग राज्यों में स्थानीय आधार पर बैंक अलग अलग दिन रहेंगे बंद। जून में 24, 25, 26 और 28, 29, 30 तारीख को लगातार 3 दिन बंद रहेंगे बैंक। तो आगे बढ़ने से पहले आपको देते हैं एक जरूरी जानकारी फिर से। मनी मॉर्निंग की खबरों के अलावा अगर आपको और भी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरें और अपने जेब से जुड़ी खबरें जाननी हैं तो आप मनी नाइन की वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। मनी नाइन की वेबसाइट पर जाने के लिए लॉगिन करें www.moneynine.com पर। यहां पर आपको 7 भाषाओं में पर्सनल फाइनेंस की खबरें जानने को मिलेगी। बढ़ते हैं आगे। व्यक्तिगत स्तर पर गड़बड़ी की वजह से म्यूचुअल फंड उद्योग की वृद्धि के रास्ते में खड़ा हो सकता है बड़ा जोखिम। इससे निपटने के लिए आचार समिति गठित करने की जरूरत। सेबी ने एक मजबूत ढांचा बनाने की बताई जरूरत। व्यक्तिगत स्तर पर गड़बड़ा सकती है म्यूचुअल फंड उद्योग की नींव। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के पास होनी चाहिए अपनी आचार समिति। स्वयं नियामक आधार पर बाजार में गलत काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे ये समिति। अमेरिका में उपभोक्ताओं का भरोसा मई महीने में और घटा। महंगाई की चिंता के बीच अमेरिकी नागरिक मुद्रास्फीति को लेकर नहीं आशान्वित। इस वजह से घट गया उपभोक्ताओं का भरोसा। उपभोक्ता विश्वास सूचकांक अप्रैल के 103.7 से घटकर मई में 102.3 पर आया। आकांक्षा सूचकांक अप्रैल में 71.7 से घटकर मई में 71.5 पर आ गया। 80 से नीचे होने का मतलब है मंदी आएगी। सेबी ने ऊंचे जोखिम वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए अतिरिक्त खुलासे को अनिवार्य करने का किया प्रस्ताव। इसमें न्यूनतम सार्वजनिक शेयर धारिता की जरूरत को लेकर किसी तरह की कोताही से बचा जा सकेगा। कुछ एफपीआई ने अपने इक्विटी पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा एक कंपनी पर रखा है केंद्रित। कुछ मामलों में यह हिस्सेदारी लंबे समय से कायम और स्थिर है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को स्वामित्व, आर्थिक हित और कोष नियंत्रण के बारे में अतिरिक्त खुलासा करने की होगी जरूरत। लोगों के 2000 रुपए का नोट जमा करवाने से बैंकों में बढ़ेगी नकदी। आने वाले दिनों में बैंकिंग प्रणाली में नकदी बढ़कर 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक होने की उम्मीद। एसबीआई के मुताबिक इसमें बैंकों के पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगी नकदी। आवश्यक पूंजी के लिए बैंकों को बाजार से नहीं जुटानी पड़ेगी पूंजी। बैंकों की पूंजी लागत घटने से बढ़ेगा उनका मुनाफा। एयर इंडिया की संयुक्त उद्यम कंपनी AIS ATS नोएडा हवाई अड्डे पर बनाएगी मल्टी मॉडल कार्गो हब। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ हुआ करार। 87 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा कार्गो हब। देश के विनिर्माण केंद्रों से विभिन्न स्थानों के लिए तेज और सुविधाजनक इंटरकनेक्ट होगा उपलब्ध। लॉजिस्टिक की लागत में आएगी उल्लेखनीय कमी। बाधा रहित माल आवाजाही के लिए बनेगी प्रक्रिया। तो मनी मॉर्निंग में चलते चलते देते हैं आपको एक आपके काम की बात। बता बिल्डर कर जाएंगे डिफॉल्ट तो होम बायर्स क्या करें, जाने के लिए देखें हमारा खास शो हेलो मनी नाइन मेरा सवाल है। आज शाम 4 बजे हमारे एक्सपर्ट दिनकर पांडे और प्रदीप मिश्रा देंगे आपके सवालों के जवाब। सवाल पूछने के लिए आप स्क्रीन पर हमारा नंबर देख सकते हैं 9311121874। आप इस पर अपना सवाल व्हाट्सएप करें, सवाल के साथ अपना नाम शहर का नाम जरूर लिखें ताकि हमारे एक्सपर्ट दें आपको सही जवाब। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़े खास कार्यक्रम देखने के लिए आप मनी नाइन की ऐप को अभी डाउनलोड करें। अगर आपने नहीं किया है तो बने रहिए मनी नाइन के साथ। अब आपसे होगी कल मुलाकात। नमस्कार।